गुड मॉर्निंग बच्चों, मी संतोष राठौर, पंतनगर हिंदी माध्यमिक शाळा घाटकोपर येथे कार्यरत. तर आज आपण इयत्ता 9वी विषय मराठी अक्षर भारती या विषयाचा अभ्यास करणार आहोत. तर आजचा आपला विषय असणार आहे उपयोजित लेखन विभाग. तर आज आपण उपयोजित लेखन विभागामध्ये औपचारिक पत्र लेखन, आपण अनौपचारिक पत्र लेखन सुद्धा पाहिलेलं आहोत त्याच्या पूर्वी, आज आपण औपचारिक पत्र लेखन पाहणार आहोत ते पाहूया. पत्र लेखनाचे दोन प्रकार असतात, एक औपचारिक पत्र लेखन आणि दुसरा आहे अनौपचारिक पत्र लेखन. आपण याच्या पूर्वी अनौपचारिक पत्र लेखन अभ्यासलो गेलो आहे. आज आपण औपचारिक पत्र लेखनाच्या बाबतीत अभ्यास करणार आहोत. चला आपण अभ्यास करूया. आपल्या मनातील भावना, विचार, मते मुद्देशूरपणे सुसंबद्ध पद्धतीने अपेक्षित व्यक्तीपर्यंत लिखित स्वरूपात पोहोचवण्याचे उत्तम माध्यम म्हणजे पत्र लेखन होय. आता तुम्ही तंत्रज्ञान युगात वावरत आहात. आज जो है हम लोग तंत्रज्ञान के युग में जी रहे हैं. संगणक, भ्रमणध्वनी, इंटरनेट, मेल याद्वारे तुमची तंत्रज्ञानाची गट्टी ही झालेली आहे. देखिए आज हम तंत्रज्ञान के युग में जी रहे हैं और आज हमारे पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, मेल, ये सारे इनके माध्यमों से हम जो है तंत्र ज्ञान से एक प्रकार की एक दोस्ती बना लिए, हम ये बना चुके हैं. फोन का वापर वाढल्यानंतर पत्र लेखनाची गरज काहीशी कमी झालेली आहे. फोन का यूज जो है हम ज्यादा कर रहे हैं, इसके लिए जो आज पत्र लेखन की इतनी जरूरत नहीं है. पहले के जमाने में पत्र लेखन पत्र ही भेजते थे, पत्र ही लिखा जाता था. लेकिन आज हम तंत्रज्ञान के युग में, यानी हमारे युग में हम कभी पत्र नहीं लिखे हैं. आज हमारे युग में मोबाइल फोन का यूज यानी वापर ज्यादा प्रमाण में होने के कारण हम पत्र लेखन यानी पत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, यानी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है. फिर भी ध्यानपूर्वक सुनिए, जब हम कभी जब हम कोई नौकरी के संदर्भ में कोई जाहिरात निकलती है तो उस समय हमें वह लेटर हमें भेजना पड़ता है. तो उस समय थोड़ी बहुत प्रमाण में हमें वो पत्र की जरूरत होती है, यानी पत्र का किस एड्रेस पे हमें भेजना है, यानी ये सारे जानकारी इस प्रकार की है. लेकिन अभी जो है फोन का यूज वाफर जो है ज्यादा होने के कारण पत्र लिखने की कोई इतना जरूरत नहीं है. असे असले तरी अनौपचारिक पत्रात आपल्या भावना शब्दात प्रभावीपणे व्यक्त करता येणे हे आवश्यक कौशल्य आहे. देखिए ऐसे होने की वजह से भी अनौपचारिक पत्र में अपना भावना यानी हमारी जो भावना जो है शब्दों में प्रभावी पड़े व्यक्त करना आना चाहिए. यह एक आवश्यक कौशल्य है. तसेच औपचारिक पत्रासाठी आपले म्हणणे, विचार, मागणी, विनंती इत्यादी गोष्टी योग्य व कमीत कमी शब्दात संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे
हे आवश्यक कौशल्य आहे। जिस प्रकार अनौपचारिक पत्र लेखन में हमारी जो भावना जो है शब्दों में व्यक्त करना है ये एक आवश्यक कौशल्य है, उसी प्रकार औपचारिक पत्र लेखन भी लेखन में भी जो हमारे विचार हमारी मांगनी यानी डिमांड विनंती ये सारी इत्यादि यानी आदि योग्य व कम से कम शब्दों में संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने का एक आवश्यक कौशल्य है। आज पत्र लेखन ही कला आत्मसात करने आवश्यक है। यापुढे तंत्रज्ञानाच्या लेखन पद्धतीने आपले लेखन कौशल्य प्रकट व्हायला हवे। तंत्रज्ञानासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे। देखिए पत्र लेखन के लिए जो तंत्र ज्ञान का वापर जो यूज हम कर रहे हैं ये जो है इस काल की जैसे काल आ रहा है उसी प्रकार की यानी जरूरत है आवश्यक है। इसके लिए आज जो है हम पत्र लेखन जो है एक तंत्र ज्ञान के युग तंत्र ज्ञान के जैसे हम पत्र लिखते हैं या पुढील काळात तुम्हाला मेल पाठवण्याचे तंत्र अवगत करावे लागणार आहे। या पुढील काळात तुम्हाला मेल पाठवण्याचे तंत्र अवगत करावे लागणार आहे। म्हणूनच आपण पत्राचे प्रारूप हे नवीन तंत्र तंत्रज्ञानानुसार मेल पाठवण्याच्या पद्धतीनुसार आपण पत्र लेखनाचे अभ्यास करणार आहोत। पत्र लेखनाला 9 गुण असते। देखिए पहले जिस प्रकार के पत्र लेखन था उसके प्रारूप में भी चेंज हो चुका है। अभी जो है पत्र लेखन जो है हम जिस प्रकार मेल भेजते हैं उसी मेल प्रकार के मेल के प्रारूप मेल के स्वरूप के पत्र हमें अभी इस पिछले साल से वो नए मेल के मेल के जैसे मेल के प्रारूप के जैसे हमें पत्र लिखना है यानी उसी प्रकार के पत्र का अभ्यास करना है। देखिए यहाँ पे पत्र लेखन को 6 अंक है। आपको अगर कृति पत्रिका में जर तुम्हारा कृति पत्रिके मध्ये एखादी सूचना केली जाते हैं किंवा आह्वान केले जाते हैं निवेदन दिले जातात किंवा एखादी जाहिरात दिले जाते हैं या प्रकारापैकी एक कृति विचारले जाईल। आपको पत्र लेखन का विषय इस प्रकार के पूछे जाएंगे कृति पत्रिका में। आपको कोई एकाधी सूचना दी जाती है ना तो आह्वान किए जाते हैं ना तो कोई निवेदन दिए जाते हैं ना तो जाहिरात दी जाती है। अब ये सारे प्रकार में से एक प्रकार एक कृति आपको पूछे जाते हैं कृति पत्रिका में पूछे जाते हैं। ये सारे प्रकार नहीं पूछे जाएंगे, इन प्रकारों में से एक प्रकार जो है आपको कृति पत्रिका में पूछे जाते हैं। उसके बाद में यावर्षी आपण पत्राचे प्रारूप आराखडा हे नवीन तंत्रज्ञानानुसार मेल पाठवण्याच्या पद्धतीनुसार लक्षात घेणार आहोत। इथे खाली आपल्याला पत्र लेखनाचे प्रकार दिसत आहे यानी नीचे हमें पत्र लेखन के 2 प्रकार दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रकार है अनौपचारिक पत्र लेखन और दूसरा है औपचारिक पत्र लेखन। म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी 2 प्रकार चे पत्र दिसत आहे। खाली पहला है औपचारिक पत्र लेखन दूसरा है औपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लेखनामध्ये कौटुंबिक किंवा घरगुती पत्राचा समावेश होत असतो। यामध्ये जवळच्या किंवा जिवाळ्याच्या व्यक्तीला पाठविले जाणारे पत्राचा समावेश होतो।
देखिए अनौपचारिक यहाँ पे पत्र दो प्रकार प्रकार के दी गए हैं, और अनौपचारिक पत्र लेखन किसे लिखा जाता है, देखो परिवार को, परिवार के सदस्य को, ना तो हमारे रिश्तेदार को, ना तो हमारे दोस्तों को, ये अनौपचारिक पत्र लेखन लिखा जाता है। आपल्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला म्हणजे आपल्या मम्मी पापाला, आई वडिलांना, आजी आजोबांना, काका काकींना, आजी आजोबांना, किंवा आपल्यापेक्षा मोठ्या भावाला, आपल्यापेक्षा मोठी बहिणीला, किंवा आपल्या मित्राला, किंवा आपल्या जवळच्या नातेवाईकाला आपण अनौपचारिक पत्र लेखन लिखित असतो। देखिए अनौपचारिक पत्र लेखन हम इससे पहले ले चुके हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन जो है हमारे परिवार के सदस्य को लिखा जाता है। जैसे अपने परिवार के सदस्य कौन कौन रहते हैं, देखो अपने मम्मी पापा, अपने बड़े भाई, अपने बड़ी बहन, अपने चाचा चाची, अपने दादा दादी आदि व्यक्तियों को हम जो है पत्र, अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। कभी कभार जो है हम अपने मित्रों को भी पत्र लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र में। उसका मायना हम इसके पहले के लेक्चर में ले चुके हैं, मायना किस प्रकार के हैं। जैसे मम्मी पापा को पत्र लिखना अगर होगा तो सबसे ऊपर दिनांक आएगा, और उसके बाद में मायना शुरुआत करते समय तीर्थ रूप, साष्टांग नमस्कार, सान वी वी, साष्टांग नमस्कार, विनंती विशेष, ये मायना हमें अपने बड़े सदस्यों को, जैसे मम्मी पापा हमारे से बड़े व्यक्तियों को इस प्रकार, जैसे दादा दादी को भी उसी प्रकार लिख सकते हैं तीर्थ स्वरूप। वैसे अपने मित्र को ऐसा नहीं मायना आएगा, अपने मित्र को, दोस्त को अगर पत्र लिखना होगा तो प्रिय मित्र उसका नाम लिख सकते हो आप। अशा प्रकारे आपण अनौपचारिक पत्र लेखन पाहतो। आता औपचारिक पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखनामध्ये मागणी विनंती या पत्राचा समावेश होतो। यामध्ये कार्यालयीन व व्यावसायिक पत्राचा समावेश होतो। जिस प्रकार हम अनौपचारिक पत्र लेखन देखे हैं उसी प्रकार औपचारिक पत्र लेखन में जैसे डिमांड करते हैं किसी वस्तु को, किसी वस्तु की मांग करना है तो हम कितने मांग करने के लिए हम पत्र भेजते हैं, ना तो आप कोई वस्तु की मांग किए हैं वो समय के ऊपर पहुंचा दिए हैं, कोई सहूलती दी गई है इसके लिए आप विनंती कर रहे हो, सहूलती सहूलत मांग रहे हैं इसके लिए आप विनंती पत्र लिख सकते हो। अभी औपचारिक पत्र लेखन जिस प्रकार है, अनौपचारिक पत्र लेखन जो परिवार के सदस्य या हमारे रिश्तेदारों को पत्र लिख सकते हैं, मित्रों को पत्र लिख सकते हैं, वैसे औपचारिक पत्र लेखन में अनौपचारिक पत्र लेखन कार्यालयीन, सरकारी कार्यालयीन कार्यालय व व्यावसायिक यानी संस्थाओं को हम पत्र लिख सकते हैं। म्हणजे या ठिकाणी औपचारिक पत्र लेखनामध्ये मागणी विनंती या पत्राचा समावेश होतो। यामध्ये कार्यालयीन व व्यावसायिक पत्राचा समावेश होतो। बघा पत्र लेखन लिहित असताना काही बाबीची काळजी घेतली तर नक्कीच तुम्हाला पत्र लेखनामध्ये चांगले गुण मिळतील। या त्या कोणत्या त्या आपण पाहूया। अगर पत्र लेखन लिखते समय आप ध्यान दिए तो नक्की इन्हें सही में आपको पत्र लेखन में अच्छे से अंक मिलेंगे, और वो कौन से हैं वो देखेंगे, क्या कोणत्या है ते आपण पाहूया। तुम्हाला प्रश्न पत्रिकेमध्ये पत्र लेखनासाठी जी कृती दिली असेल त्यातील मजकूर कंटाळा न करता ते शांतपणे वाचावे आणि समजून घ्यावा। देखो अगर आपको कृती पत्रिका में पत्र लेखन के लिए जो भी कृति
स्थिति को आप अच्छे से समझ कर लेना है, बिना कंठला करके करते हुए पढ़ना चाहिए, दिमाग शांत ठंडा रखते हुए, और वो समझ कर लेना जरूरी है। दिलेल्या माहिती मध्ये विषय काय आहे, आयोजक कोण आहे, त्याचा तपशील पाहावा। अभी दी गई जो जानकारी है, इस जानकारी में विषय क्या गया, हमने क्या दिया गया है, विषय क्या है, आयोजक कौन है, उसका तपशील क्या है, ये हमें ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। उदाहरणार्थ के तौर पर देखे जाए, हमने देखा जाए तो नाम पता इत्यादि, म्हणजे उदाहरणार्थ जर पाहिजे जर झाले आपल्याला, तर नाव पत्ता इत्यादी, यामध्ये कोण पत्र लिहितो, कशासाठी पत्र लिहितो व कोणाला पत्र लिहितो, पत्राचा विषय काय आहे, या सगळ्या बाबी म्हणजे बाबीची माहिती घ्यावी। दिलेल्या विषयाचे रोहदाने साध्या वाक्यात सुटसुटीत समजेल अशा शब्दात लेखन करावे। मुख्य मजकुरात तीन परिच्छेद करावे। ईमेल प्रारूप पत्राचे लेखन करताना दिनांक प्रति महिना विषय महोदय मुख्य मजकूर प्रारूप समारोप लिहिणाऱ्याचा पत्ता पत्राचा आराखडा असावा। देखिए पत्र लेखन लिखते समय पत्र दिए गए विषय ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको सिंपल वाक्यों में काफी सुटसुटी सबको समझ में आए ऐसे शब्दों में लेखन करना जरूरी है। मुख्य मजकूर में तीन परिच्छेद करना है। जिस प्रकार हम ईमेल प्रारूप के पत्र लेखन करते हैं, उस समय सबसे ऊपर दिनांक, उसके नीचे प्रति, उसके नीचे मायना, उसके बाद विषय, उसके बाद विषय के नीचे महोदय, महोदय के नीचे मुख्य मजकूर, पत्र लेखन का मुख्य मजकूर यहां से शुरुआत करना है, और लास्ट में समारोप लिखनेचा पता, यानी जो पत्र लिख रहा है पत्र लेखक का पता, पत्र लेखन का आराखड़ा, उसके बाद में प्रेषक म्हणजे पत्र लिहिणारा व प्रति म्हणजे ज्याला पत्र लिहावायचा। तो देखिए प्रति और प्रेषक में आपको समझ में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेषक यानी जो पत्र लिखने वाला, जो लिखने जा रहा है, पत्र लेखक कहते हैं उसे, और प्रति यानी जिसको हम पत्र लिखने जा रहे हैं यानी भेज रहे हैं उसे प्रति बोलते हैं। तो प्रेषक आणि प्रति यांचे पता कृती पत्रिके दिलेले असतील तेच म्हणजे तेच लिहावे। बऱ्याचदा आपण शाळेत पत्र लिहित असताना स्वतःचं नाव शाळेचं नाव लिहित असतो। देखिए अगर कृती पत्रिका में प्रति और प्रेषक का पता दिए गए होंगे, तब उस समय वही पता लिखना जरूरी है। कभी कभार कैसे हो जाता है, हम स्कूल में पत्र लिखते हैं तो स्कूल के नाम से अपना खुद का नाम लिख देते हैं और अपने शाला का नाम लिख देते हैं, वैसे गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर कृति पत्रिका में प्रति और प्रेषक दोनों का नाम एड्रेस दिया गया होगा तो वही नाम और उसी का पता लिखना जरूरी है। उस समय अपना नाम और अपना एड्रेस डालने की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ध्यानपूर्वक सुनिए, अगर कृति पत्रिका में प्रति और प्रेषक का नाम और पता नहीं दिया गया होगा तो उस समय आपको अपना काल्पनिक पत्र आप उस समय एड्रेस लिख सकते हो, अपना ही एड्रेस दे सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, उस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई शाला में कोई औपचारिक पत्र लेखन किताबें वगैरह मंगवाना है या कोई खेलकूद के सामान मंगवाना है स्कूल को, तो आप जैसे स्कूल का नाम
लिख सकते हो अपने स्कूल का नाम जो भी है। उसके बाद में पत्रता समारोपात आपला विश्वासु आपला कृपाभिलाषी अशा शब्दाने शेवट करून त्या खाली आवश्यकता प्रमाणे अबक किंवा कृती पत्रिकेत असणारे नाव व पत्ता लिहावा। पत्राच्या शेवटी पत्र लिहिणाऱ्याचे नाव व पत्ता काल्पनिक ईमेल आयडी लिहावा। या सर्व मुद्द्याचा पत्र लेखनात विचार करावा। बघा सर्वप्रथम आपण पाहूया, सर्वप्रथम आपण औपचारिक पत्र बघूया। पत्राचा विषय नीट समजून घ्या। पत्राचा विषय औपचारिक पत्रात लिहिणे अपेक्षित आहे। योग्य मायना व समारोप करावा। आपले म्हणणे मुद्देसूदपणे मांडावे। पत्राची भाषा पत्र स्वरूपानुसार असावी, रटाळ नसू दे। पत्र लेखन लिखते समय पत्र लेखन की भाषा पत्र लेखन के स्वरूप होना चाहिए। पत्र के प्रकार पत्र के जैसे ही होना चाहिए, ऐसे रटा भाषा यानी घोकलपट्टी नहीं करना है। पत्र लेखन लिखते समय मुद्दे शुद्धपणे लिखना जरूरी है। उस समय योग्य मायना और उसका पत्र का समारोप मैंने जैसे जिस प्रकार मैंने बताया किस टाइप के पत्र किस प्रकार लिखना है, प्रति प्रेषक मायना विषय महोदय और पत्र का समारोप, उसके बाद पत्र का समारोप करते समय आपला विश्वासु आपला कृपाभिलाषी, बाद में उसके बाद में काल्पनिक ईमेल आईडी डालना भूलना नहीं है। अभी अनौपचारिक पत्र लेखन में विषय नहीं लिखा जाता है, लेकिन अनौपचारिक पत्र लेखन में विषय नहीं लिखा जाता है, लेकिन औपचारिक पत्र लेखन में विषय लिखना जरूरी है। औपचारिक पत्र लेखनाची मांडणी बघूया। प्रतीनंतर खालील ओळी जिला पत्र ज्याला पत्र पाठवायचे त्या व्यक्तीचे संपूर्ण नाव त्या खाली तिचा हुद्दा व संपूर्ण पत्ता लिहावा। देखो प्रति लिखकर होने के बाद उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति को उदाहरण हम अपने शाला के प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हो तो माननीय शब्द लिखना भूलना नहीं है। माननीय मुख्याध्यापक यानी पद क्या है, माननीय मुख्याध्यापक अपना शाला का नाम लिखना है कि ये शाला का ये मुख्याध्यापक है, कि मुझे 2-3-4 दिन की छुट्टी की मांग करना है, यानी ये मांगनी वाला पत्र हो गया है। यानी प्रतीनंतर खालील ओळी ज्याला पत्र पाठवायचे त्या व्यक्तीचे संपूर्ण नाव लिहा, त्या खालील तिचा हुद्दा व संपूर्ण पत्ता लिहा, व्यक्तीचा नाव लिहा। व्यक्ती उस व्यक्ति का नाम लिखने के बाद उस व्यक्ति का हुद्दा क्या है, हुद्दा यानी वो कौन से पोस्ट पे है वो पोस्ट लिखो। आप डायरेक्ट माननीय मुख्याध्यापक लिखेगा तो भी चलेगा, नाम लिखने की कोई उस समय जरूरत नहीं है। माननीय मुख्याध्यापक अपने जो भी शाला के मुख्याध्यापक है वो शाला का नाम लिखना है और उस समय उसके नीचे जो है पूरा पता एड्रेस होना है, संपूर्ण पता लिया हुआ। त्यानंतर दूसरा पाहूया, विषय असा शब्द लिहून त्यापुढे मोजक्या शब्दात पत्राचा विषय लिहावा। प्रति लिहून झाल्यानंतर त्याखाली विषय लिहून झाल्यानंतर विषय असा शब्द लिहून झाल्यानंतर त्यापुढे मोजक्या शब्दात उसके आगे कम से कम शब्दों में विषय लिखना जरूरी है औपचारिक पत्र लेखन में। तीसरा पत्राचे लेखन मुद्दे शुद्ध असावे, यानी पत्र लेखन का लेखन करते समय मुद्दे शुद्ध रहना जरूरी है। अब देखो पत्र लेखन का नमूना देखते हैं हम लोग। दिनांक सबसे ऊपर दिनांक, उसके नीचे प्रति, प्रति के नीचे माननीय शब्द लिखना है। जैसे मैं बोला आपको माननीय जो जो व्यक्ति जिस पद पे रहता है, माननीय विभाग निरीक्षक, माननीय लेखाधिकारी, माननीय शिक्षा अधिकारी, यानी माननीय शब्द जो है वो भूलना नहीं है। माननीय व्यवस्थापक यानी हम किसी विशिष्ट संस्था को अगर पत्र लिख रहे होंगे माननीय व्यवस्थापक, ऐसे माननीय शब्द लगाकर हमें लिखना है। उसके बाद माननीय के नीचे विषय लिखना है, उसके बाद में महोदय लिखकर पत्र लेखन का मुख्य मजकूर लिखना है,
महोदय के नीचे महोदय लिखना है, स्वल्प विराम करना है और उसके नीचे जो है पत्र लेखन का मुख्य मजकूर लिखना है, शुरुआत करना है। पत्र लेखन का मुख्य मजकूर लिखकर होने के बाद पत्र लेखन का समारोप करते समय उस समय हमें करना है, लिखना है अपला अपली, अपला विश्वासु, अपला कृपा विलासी। इस शब्दों से आपको पत्र का समारोप करना है। नीचे जो है पता, पता किसका होगा, पत्र जो पाठने रहता पत्ता, जो पत्र भेज रहा है उसका प्रेषक का कौन रहता है, पत्र पाठने रहा प्रेषक, उसका पता यहाँ पे लिखना है। नीचे जो है ईमेल आईडी भी लिखना, भूलना नहीं है। ये है इस प्रकार जो औपचारिक पत्र लेखन का जो ई आराकड़ा है, नमूना है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे किस टाइप का आपको दिनांक, दिनांक लिखकर होने के बाद नंबर दो पे प्रति लिखना है, प्रति लिखकर होने के बाद नंबर तीन पे माननीय शब्द लिखकर उस व्यक्ति का नाम लिखो। नाम नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन उस व्यक्ति का हुदा लिखना है। उसके बाद में विषय लिखो, विषय लिखकर विषय ऐसे शब्द लिखने के बाद उसके आगे जो है ऐसे कम से कम शब्दों में उस पत्र लेखन का विषय लिखना है। विषय लिखकर होने के बाद पांचवे नंबर पे आपको महोदय लिखना है और स्वल्प विराम। महोदय लिखकर होने के बाद उसके नीचे की लाइन में आपको पत्र लेखन का मुख्य मजकूर लिखना है। देखिए पत्र लेखन का मुख्य मजकूर। उसके बाद में सातवें नंबर पे देखना है पत्र का समारोह करते समय अब आपला आपली, आपला विश्वासु, आपला आपली कृपा विलासी, आपला कृपा विलासी ऐसे शब्द लिखना है। उसके बाद में पता, पत्र पाठवने का पता लिखना है। इस प्रकार जो है पत्र लेखन का नमूना है। अभी हम एक, मैंने एक कृति लिया हूँ, पुढील पोस्टर वाचा व दिलेल्या सूचनानुसार, सूचनेनुसार कृति करा। चैम्पियन स्पोर्ट्स, जलाराम नगर, अमरावती। खेळाचे साहित्य मिळण्याचे मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण, या ठिकाणी खेळाडूसाठी आकर्षक सवलत, त्यानंतर शैक्षणिक संस्थांसाठी खास सूट। देखिए यहाँ पे एक कृति दी गई है। मैंने आपको जैसे चार टाइप, चार पांच प्रकार के कृति पूछे जाते हैं उसमें से एक कृति पूछे जाते हैं, ऐसे बोला कि यहाँ पे देखिए कि चैंपियन स्पोर्ट्स जलाराम नगर अमरावती जो खेल के साहित्य मिलने वाला एक विश्वसनीय ऐसे जगह है। अभी यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट है हमारी यहाँ पे दुकान में, ऑफर रखी गई है, ऑफर दी जा रही है। किसके में अभी ये ऑफर किनको दिया जा रहा है, देखो खिलाड़ू साठी यानी जो खिलाड़ी के लिए आकर्षक सहूलत दी जा रही है। उसके बाद शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी कुछ विशेष छूट दिया जा रहा है। अभी यहाँ पे एक विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने दोन प्रकारचे पत्र विचारले गेले आहे। या ठिकाणी क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र लिया, एक पत्र मागणी करणारा पत्र, दुसरा पत्र आहे क्रीडा साहित्यावर सवलत मिळावी अशी विनंती करणारे पत्र। या ठिकाणी दोन प्रकारचे पत्र विचारले गेले आहे, एक मागणी पत्र, दुसरा विनंती पत्र। तुम्हाला दोन्ही पत्र लिहिण्याची आवश्यकता नाही, तुम्हाला जे सोपं वाटतात ते पत्र लिहिणे आवश्यक आहे। आपको दोनों पत्र करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक पत्र करना है चाहिए। आपको मांगनी वाला पत्र इजी लग रहा है तो मांगनी वाला पत्र कर सकते हो, चाहिए आपको विनती वाला पत्र इजी लगता है, इजी सही लगता है तो आप विनती वाला पत्र कर सकते हो। दोनों में से एक कृति करना है, एक पत्र करना है। देखिए यहाँ पे क्रीड़ा साहित्य यानी खेलकूद के साहित्य, खेल के साहित्य की मांगनी कर रहे हैं, यानी खेलकूद के सामान मंगवाने हमने मंगवा रहे हैं, इसके लिए आप डिमांड कर रहे हो, ये वाला पत्र है। दूसरा है क्रीड़ा साहित्यों के ऊपर विशेष सवलत मिलनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने विनंती वाला, विनंती कर रहे हैं, इस
प्रकार के दो टाइप के पत्र हो गए हैं। देखिए मैंने पहला पत्र लेता हूं, क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र लिया। सबसे ऊपर आपको मालूम है, सबसे ऊपर जो है दिनांक लिखना है, मुझे वर्ती दिनांक, दिनांक हा अंकात, जैसे 28 हा अंक है आणि पुढे 28/1 जून दिले, 28/6/2020 न करता 28 जून 2020। जर आज आपण पत्र शिकत आहोत तर आजची तारीख आहे आपली तर 27 जानेवारी 2021। महिना शब्दात लिहिणे गरजेचे आहे। आता त्यानंतर न पाहूया प्रति, प्रति स्वल्पीराम, त्याच्यानंतर न माननीय व्यवस्थापक, चॅम्पियन स्पोर्ट्स जलाराम नगर अमरावती। बघा या ठिकाणी ऍड्रेस होता प्रति या ठिकाणी, म्हणून आपण माननीय व्यवस्थापक चॅम्पियन स्पोर्ट्स जलाराम नगर नगर अमरावती जर राहिले नसते तर तुम्ही काल्पनिक लिहू शकला असता। या ठिकाणी प्रति दिलेले आहे ज्यांना आपण पत्र पाठवणार आहोत, लिहिणार आहोत। आता या ठिकाणी विषय आहे शाळेच्या हॉकी संघासाठी क्रीडा साहित्याची मागणी। देखो यहाँ पे विषय दिया गया है स्कूल के जो हॉकी संघ है उनके लिए क्रीड़ा साहित्य की मांग करने वाला पत्र लिखना है। ये विषय आ गया है। तो विषय के बाद में महोदय लिखना है, महोदय के बाद में देखो स्वल्पीराम देना है, उसके बाद नीचे की लाइन में आपके पत्र लेखन को, आपको पत्र लेखन के मुख्य मजकूर लिखना है। आपल्याला पत्र लेखनाची सुरुवात इथून करायची आहे, मुख्य मजकूर। आता चला पाहूया आपण पत्र लेखनाचा मुख्य मजकूर। मी आदर्श शाळेचा शाळेची विद्यार्थी प्रतिनिधी आहे। आप भी अपने शाळा का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे आदर्श विद्यालय दिया गया है तो जो आपके शाला का नाम है वो आपके शाला का नाम भी आप लिख सकते हो। आप में कौन से शाला है और शाला के एक विद्यार्थी प्रतिनिधि के इस नाता प्रतिनिधि करके उन्होंने अपने शाला को लगने वाले जो हॉकी के साहित्य की मांग कर रहे हैं। मी आदर्श शाळेचा शाळेची विद्यार्थी प्रतिनिधि आहे। आमच्या शाळेच्या हॉकी संघासाठी पुढे दिलेल्या यादीप्रमाणे क्रीडा साहित्य हवे आहे। कृपया हे साहित्य आमच्या शाळेच्या वरील पत्त्यावर पाठवावं, त्यासोबत क्रीडा साहित्याचे बिल ही पाठवावे, म्हणजे रक्कम त्वरित पाठवून देता येईल। हे साहित्य शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी हवे आहे, तेव्हा कृपया किमतीवर योग्य ती सवलत द्यावी ही विनंती। हे पत्र मी माननीय मुख्याध्यापकाच्या अनुमतीने लिहित आहे। देखिए वो विद्यार्थी प्रतिनिधि करके पत्र लिखा है, लेकिन वो अपने से पत्र नहीं लिखा है, अपने शाला के मुख्याध्यापक के अनुमति द्वारा उन्होंने पत्र लिखा है कि वो एक आदर्श विद्यालय का विद्यार्थी प्रतिनिधि है। उनके शाला में जो हॉकी संघ के लिए आगे जो दी गई है यादी जो है, उस यादी के हिसाब से हमें क्रीड़ा साहित्य चाहिए। कृपया करके यह साहित्य हमारे शाला के एड्रेस के ऊपर भिजवा दें और साथ ही साथ क्रीड़ा साहित्य के बिल भी उसी साहित्य के साथ भिजवा देना है, ताकि आपका बिल जो है हम तुरंत जल्द से जल्द पे कर देंगे। अभी ये पूरे साहित्य जो है शाला के विद्यार्थियों के लिए चाहिए, इसके लिए कृपया करके जो आप कीमत उसकी प्राइस जो है वो कम से कम
कीमत लगाकर हमें सहूलत दी जानी चाहिए, इस प्रकार वो विनंती भी कर रहे हैं। अभी ये वाला पत्र जो है मैं माननीय मुख्याध्यापक के अनुमति द्वारा लिखा हूँ। क्रीड़ा साहित्याची यादी या ठिकाणी पाहणे पाहणार आहोत, त्यांनी कोणकोणत्या वस्तू मागणी या ठिकाणी मागवली आहे, अनुक्रमांक या ठिकाणी अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4 प्रकार आहे, हॉकी स्टिकर्स नग आहे 24, दुसरा आहे हॉकीचे चेंडू नग आहे 20, तीसरा आहे हॉकी पॅड्स नग आहे 12, चौथा आहे हेल्मेट नग आहे 6। वरील कृपया वरील साहित्य शक्य तितक्या लवकर पाठवावे ही विनंती लास्ट पत्रका समारोप जर म्हणजे करायच्या वेळी कळावे, आपला स्लॅश आपली कृपाविलाशी अबक किंवा त्या विद्यार्थ्याचं नाव न लिहिता अबक विद्यार्थी प्रतिनिधी आदर्श शाळा। देखो यहाँ पे पत्र का यादी हो गई, उसके बाद उन्होंने नीचे विनती कर रहे हैं कृपया करके यह साहित्य जल्द से जल्द भिजवा देने की कृपा करें, लास्ट में करावे। और पत्र का यहाँ पे समारोह कर रहे हो हम लोग, आपला विश्वासु आपला कृपा विलासी अब विद्यार्थी प्रतिनिधि आदर्श विद्यालय क्यों आदर्श शाळा। आणि त्या विद्यार्थी प्रतिनिधि आपण क्रीडा भांडार आदर्श शाळा म्हणजे त्या विद्यार्थ्याचा शाळेचा नाव सुद्धा लिहिणे गरजेचे आहे आणि तिचा ऍड्रेस सुद्धा, शाळेचा ऍड्रेस विद्यार्थी प्रतिनिधि क्रीडा भांडार आदर्श शाळा 45 रुईकर कॉलनी सुमन नगर अमरावती। आता शाळेचे नाव शाळेचे पत्ता लिहून झाल्यानंतर खाली या ठिकाणी आपल्याला ईमेल आयडी लिहिणे गरजेचे आहे, कारण ईमेल आयडी शिवाय आपलं पत्र होऊ शकत नाहीये। जर तुम्हाला पत्र च्या शेवटी तुम्ही असे काल्पनिक ईमेल आयडी बनवू शकता abc@gmail.com किंवा xyz@gmail.com किंवा एखाद्या व्यक्तीचं नाव किंवा त्या ठिकाणी कृतीपत्रिकेमध्ये जर असेल तर तुम्ही सुद्धा, जर नसेल त्या ठिकाणी तुम्ही आपल्या नावाने सुद्धा ईमेल आयडी बनवू शकता। सध्या या ठिकाणी तुम्ही abc@gmail.com असं लिहिणे चांगलं होईल। त्यानंतर आपण दुसरा एक पत्र पाहूया, थोडा 2 मिनिट राहिलेले आपण थोडा पत्र लेखन विनंती वाला पत्र कसं आहे ते थोडा आम्ही पाहून घेऊया। विनंती पत्राचा नमुना सेम मागणी पत्रासारखीच 28 जून 2020 महिना लिहिणे गरजेचे आहे, महिना अंकात न लिहिता महिना शब्दात लिहिणे गरजेचे आहे। या ठिकाणी प्रति माननीय व्यवस्थापक चॅम्पियन स्पोर्ट्स जालाराम नगर अमरावती, विषय आहे या ठिकाणी हॉकीच्या हॉकीच्या क्रीडा साहित्यावर सवलत देण्याची विनंती। आणि तसेच सेम पत्र आहे पण त्या ठिकाणी वस्तूची मागणी करणारे पत्र होतं, या ठिकाणी या हॉकी साहित्यावर क्रीडा साहित्यावर आम्हाला विशेष सवलत मिळावी म्हणून विनंती वाला पत्र या ठिकाणी आपण पाठवत आहोत। आता विषय लिहून झाल्यानंतर ना खाली महोदय आहे, बघूया आपण महोदय पटापट 5 मिनिटात। महोदय मी आदर्श शाळेचा शाळेची विद्यार्थी प्रतिनिधी आहे, आम्ही आपल्याकडून दिनांक 11 जून 2020 च्या पत्राद्वारे क्रीडा साहित्य मागवले आहे आमच्या शाळेतील हॉकी संघासाठी, ते हवे आहे। आपल्याला माहीतच आहे की आमची शाळा ही शैक्षणिक संस्था आहे, दरवर्षी क्रीडा साहित्याच्या किमती वाढतच आहे, त्यामुळे विविध साहित्य खरेदी करताना आमची खूपच अडचण होत आहे। दरवर्षी आपण आम्हाला थोडी सवलत देता हे खरे आहे पण ती पुरेशी नसते आणि गेल्या वर्षी तर आपण खूपच कमी सवलत दिली होती, कृपया या वर्षी सवलतीमध्ये कपात करू नये। वस्तूच्या वाढत्या किमतीमुळे आम्हाला पुरेशी साहित्य खरेदी करता येत नाहीये, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान होत आहे, कृपया सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा ही विनंती। आपल्या माहितीसाठी आमच्या मागणी पत्राची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे,
कळावे आणि सेम पत्र लेखन पत्र लेखनाचे या ठिकाणी समारोप जसे मागणीवाला पत्राला समारोप केलो आहोत तसे आपण विनंतीवाला पत्र लेखनाला सुद्धा तशाच प्रकारे समारोप करू शकतो. आपला आपली विश्वासू कृपा विलासी अबक विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि त्या शाळेचे नाव शाळेचा पत्ता आणि शाळेचा पिनकोड नंबर त्यानंतर आपल्याला ईमेल आय डी हा कंपल्सरी लिहिणे गरजेचे आहे खूप गरजेचे म्हणजे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे आपण आज या ठिकाणी औपचारिक पत्र लेखन पाहिलेलो आहोत. तुम्हाला जर काही शंका असेल आपण मागच्या लेक्चरला पण पाहिलेलो आहोत पाहिलं होतो की अनौपचारिक पत्र लेखन आज आपण पाहिलो आहोत की औपचारिक पत्र लेखन तर या औपचारिक पत्र लेखन आज आपण दोन्ही प्रकारचे मागणी आणि विनंती हे दोन्ही पत्र पाहिले आहोत. जर तुम्हाला काही शंका असेल तुमची तर तुम्ही विचारू शकता. आपकी कोई समस्या होगी औपचारिक पत्र लेखन के ऊपर तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो. तुमची काही समस्या असेल तर जरूर तुम्ही आपली समस्या विचारू शकता. कोई शंका कोई समस्या होगी तो आप पूछ सकते हो. हाँ रीना सोनी हाँ चलिए बेटा. मिस कोई भी पत्र हो तो लेफ्ट साइड से लिखा जाएगा ना. हाँ पत्र ले अभी जैसे हम पहले के टाइप पहले कैसे लिखते थे दोनों साइड एक साइड में प्रेषक लिखते थे एक साइड में प्रति लिखते थे. अभी सिर्फ एक ही साइड में लिखना है लेफ्ट साइड में ही. okay, जैसे ईमेल जैसे हम ईमेल भेजते समय एक ही साइड में लिखते हैं भेजते हैं ना उसी टाइप का अभी पत्र जो है ईमेल प्रारूप का ही पत्र लेकर पिछले साल से हम नए से नया प्रारूप लेकर नए प्रारूप के हिसाब से ही हम पत्र कर रहे हैं. ठीक है. ओके मिस. और कोई समस्या नहीं मिस. और कोई किसी को समस्या तर आज आपण औपचारिक पत्र लेखन या ठिकाणी अभ्यासलो आहोत. आपण अनौपचारिक आणि औपचारिक हे दोन्ही प्रकारचे पत्र लेखन आपण अभ्यासलो आहोत. तर आज अशा प्रकारे आपण औपचारिक पत्र लेखन अभ्यास करून आपले आपलं पूर्ण झालेलं आहे. मी या ठिकाणी आपला पत्र लेखन हा विषय समाप्त झाला आहे असे मी जाहीर करतो. धन्यवाद.